थैंक यू। किसके बारे में से? बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं, सेकंड सीज़न आया है, सबने बहुत पसंद किया है। और फर्स्ट सीज़न भी इंटरेस्टिंग था, सेकंड सीज़न भी इंटरेस्टिंग है, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को। जितना भी काम था लोगों ने सराहा है, पूरी सीरीज़ को सराहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। बिकॉज थिएटर से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूँ और सर मेरे सीनियर भी हैं, मुकेश सर, सो एक अच्छा अनुभव है, उनके साथ बातचीत होती रहती है, तो थिएटर के लेके उनके जो दिल में एक जगह है स्पेशल, वो इसके ज़रिए देखने को मिलती है। सो गाहे बगाहे जब भी मौका मिलता है वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को भी मौका मिलता है, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये थिएटर फेस्टिवल, इस तरह से होते रहना चाहिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बट यस आई थिंक दो तीन चीज़ें जो मैंने फॉलो करी है, मैं वही लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेडिकेशन रखें, डेडिकेटेड रहिए अपने काम के प्रति, जो करने आए उस पर फोकस रखें, क्योंकि हमारे में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, हम भटक जाते हैं जल्दी, चीज़ों से हार मान लेते हैं, तो वो टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, प्रेशर किसी भी चीज़, अभी भी देखो कितना प्रेशर है, अभी सब खड़े हैं, आप भी सवाल पे सवाल दाग रहे हो, तो प्रेशर तो होते ही है, बट आई थिंक वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें, जितना प्रैक्टिस करता है आदमी, लेकिन वो एक बार जब सामने ऑडियंस होती है तो वो उतनी टेंशन बढ़ जाती है। वो इसलिए नहीं है कि, वो इसलिए कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस के लिए, देखने वाले दर्शकों के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये तो मेकर्स को पता होगा, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बट आई थिंक अगर प्लान्ड होगा तो ज़रूर आएगा, नहीं है तो आई कांट से एनीथिंग। पता नहीं, नहीं आई थिंक जहाँ पर कन्फ्यूजन तो क्लियर है, आप जहाँ छूटा है वहाँ पे 2017 वो ईयर है, 2019 चल रहा है, तो इसका मतलब बच गया सब कुछ, अब बॉम्बे बच गया, सब कुछ बच गया, बट आई थिंक वही बता पाएंगे बेटर। थैंक यू। आई हैव जस्ट कम टुडे, अभी आई हूँ, शुरू नहीं हुआ है, एंड लास्ट सीजन में भी आई थी मार्च में, सो मुकेश बीइंग वेरी क्लोज टू मी, मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, एंड एक तरह से थिएटर से जुड़ने का मौका मिलता है। इनफैक्ट नॉट मैनी नो, बट इन जैन आई वॉज ऑल्सो टेकिंग दिस थिएटर वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप्स फ्रॉम हिम, जो मैं पूरे नहीं कर पाई थी due to some reasons. So I really want to be related close to performance, the skill of acting, so that's the reason I try to be around, so I'm glad I'm here. Yes, it's a good platform jo youngsters ko diya ja raha hai, and Mukesh is doing a very good job, and entry is free, so wo apne level par jitna kar sakte hai wo utna kar rahe hain, to bring the best out and bring new talent and give them a good platform, which is really really appreciated, and that's why I'm here. I'm overwhelmed, I'm glad, I thank to God, and moving on with this, and starting another few projects, so I'm glad. Thank you for the love. It's very new, it's very very recent to talk about them, so I rather be quiet. मैं हमेशा से, जब से ये शुरू हुआ है खिड़कियाँ, तब से मैं इसके साथ जुड़ा रहा हूँ, और मुकेश भाई को तो मतलब 15 साल हो चुके हैं अब, तो जानते हो थिएटर्स के थ्रू ही हम लोग मिले थे, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि थिएटर को ज़िंदा रखना, हर जगह आर्टिस्ट ज़िंदा रहते हैं उस वजह से, तो बहुत अच्छा चीज़ है खिड़कियाँ फेस्टिवल हमेशा से, बहुत अच्छी बात है कि यंगस्टर्स जो हैं वो थिएटर की तरफ वापस, मतलब क्योंकि हमारा अभी जो माध्यम जो चल रहा है, इसमें आपका इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो थिएटर कहीं ना कहीं जाके जो है वो पीछे, ऐसा नहीं है पीछे होता जा रहा है, बट थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, तो ये कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो वापस से यंगस्टर्स को दोबारा से मतलब इस तरफ आने का रुझान पैदा करते हैं। यार मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट एक तुषार कपूर प्रोडक्शन की एक फिल्म है मारीच, तो उसमें नसीर साहब हैं, सब लोग हैं। कैसे तुषार? बढ़िया, कैसे भाई? तो
तो ये है एक अनुभूति कश्यप, जो अनुराग कश्यप की छोटी बहन है, उनकी वेब सीरीज है अफसोस, वो कर रहा हूँ, एंड देन दिल्ली क्राइम 2। थैंक यू। नहीं मतलब बहुत खुशी हो रही है, जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, हमने फिल्म बनाई थी सोच के कि लोगों को पसंद आएगा, और जैसे कनेक्ट कर रहा है, कैरेक्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं, रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, और उन लोगों के कॉल्स आ रहे हैं जिनको हम देख के बड़े हुए हैं, नो डायरेक्टर्स एक्टर्स, तो ऑब्वियसली खुशी मिलती है जिस चीज़ को हम करने के लिए आए हैं। और इधर आने का मकसद भी है कि यार जिनकी वजह से हम लोग कोई मौका मिल रहा है मुकेश भाई, तो ऑब्वियसली वी आर हियर टू सपोर्ट खिड़कियाँ, और जिस तरह से उनका काम हो रहा है, मैं खुद थिएटर से हूँ, तो थिएटर तो मेरे लिए बहुत स्टार्टिंग का जगह है जहाँ से सब कुछ बना है। सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। रोज़ हम कोशिश करते हैं कि लोगों से जाके रिस्पांस लें, जब टाइम मिलता है तो एक शो देख लेते हैं जाके, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या क्या रिस्पांस मिले हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट जो जैसे कि आपने कहा कि यार जैसे विक्की कौशल मुझे स्क्रीनिंग के बाद मिला, तो नो पहले तो वो 5 मिनट तक इसे हग ही करता रहा, तो उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और जब आप एक्टर्स जिनको आप देखते हैं और आप कहते हैं यार जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपको ऐसे खुशी दें, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। एंड यू नो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मम्मी जो मेरा कैरेक्टर है उसके वीडियोस बना के भेजते हैं, यू नो तो सेक्स और मम्मी का एक सीन है जहाँ वो मेरी रैगिंग कर रहा है। हाँ तो वो यू नो जब लोग कैरेक्टर को पसंद करना शुरू करते हैं तो आपको ऑब्वियसली मज़ा आता है कि लोग आपको रिलेट कर रहे हैं। रोड पे आप जा रहे हो तो आपको जब लोग मम्मी के नाम से बुलाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि लोगों को कनेक्ट कर रहा है, तो वो तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा टाइम है और मज़ा आ रहा है। किस कह रहे हैं यार, वही मैं जैसे कहा, मैं खुद NSD से हूँ, और थिएटर मुझे लगता है बहुत ही बड़ी नींव है एक्टर्स की आज के टाइम पे, तो अगर ऐसा कुछ हम बॉम्बे में सपोर्ट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्टर्स को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को सामने आने का। इतने सारे एक्टर्स हैं, बहुत कम मौका मिलता है कि हम एक्टर्स को देख पाते हैं, तो थिएटर के माध्यम से, नाटक के माध्यम से वो एक कॉन्टैक्ट बन गया है, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट बूस्ट एंड पुश फॉर ऑल दी एक्टर्स, और इट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट मुकेश भाई हैज डन, एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी सपोर्टिंग इट, एंड आई एम हियर फॉर दैट। यार देखो जो स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा था है, लेकिन ऐसा रिस्पांस आएगा कि लोग 5 बार देख रहे हैं। मुझे आज मैसेज आया सुबह, क्योंकि इंस्टा में क्या होता है, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है ना, तो मैं जब पढ़ता हूँ तो यार लोग 5वीं बार 6ठी बार देख के आ रहे हैं, तो ये तो सिर्फ लोगों का प्यार है कि लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है। हर कॉलेज में जो गया है वो कनेक्ट कर रहा है, जो नहीं गया वो यही कह रहा है कि यार मैं क्यों नहीं गया। तो आई थिंक इतना तो नहीं सोचा था हम सब ने जितना प्यार मिल रहा है। जी ये बहुत एक अच्छा फेस्टिवल है, एक थिएटर है जहाँ पे लोग आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक अच्छा प्ले देख सकते हैं, और बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स को मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। कितने सालों से ये फेस्टिवल हो रहा है, और मुकेश सर एक बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं ये सब करके, काफ़ी यंग एक्टर्स को मोटिवेशन मिलता है स्टेज में जाने के लिए। तो मैं ज़्यादा प्ले देखता नहीं हूँ, बट आज मौका मिला है तो ज़रूर देखने आएंगे। जी 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 आई थिंक प्ले जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रियल एक्टिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक टेक होता है। फिल्मों में यूजली आपको काफ़ी टेक्स मिल जाते हैं, काफ़ी रीटेक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर आपका एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपको एक्टिंग सीखना है, तो आई थिंक प्ले इज़ द बेस्ट फॉर्म टू परफॉर्म एंड टू वॉच। यहाँ पर एक बहुत अच्छे वे में आप एक्टिंग सीख देख सकते हैं कैसे ये लोग परफॉर्म करते हैं। सो एंड आई एम श्योर दैट जब तक वर्ड एक्टिंग है तब तक प्ले हमेशा रहेगा। जी जी आई थिंक बिग बॉस आ गया, आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी जस्ट शुरू हो गया है, एंड आई थिंक इट्स गोना बी एन अमेजिंग सीजन दिस ईयर। अगर आपको ऑफर मिलता जाना चाहेंगे? नहीं 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 सर, मैं सर मैं पहले 10 सेकंड में घर से बाहर भाग जाऊंगा। मैं से बिग बॉस नहीं होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिग बॉस में पार्ट लेना, और जितने भी कंटेस्टेंट जाते हैं इतने महीने अंदर रहते हैं, कमेंडेबल है। मैं मुझे लगता है मैं बहुत ख़राब कंटेस्टेंट उसके लिए। थैंक यू जी जी जी, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्वाथा के लिए, उसके लिए तैयारी चल रही है, प्री प्रोडक्शन फेज में फिल्म है। आई थिंक बाय नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको फ्लोर पे लेके जाएंगे और शूटिंग करेंगे। ये एक सच्ची कहानी है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि पहली पिक्चर के बाद मुझे ऐसी कहानी करने का मौका मिल रहा है जिसमें एक सच्ची स्टोरी मैं आगे ला सकता हूँ। काफ़ी रिसर्च किया है, आई थिंक ये एक ऐसी कहानी है जो इंडिया इंडियन आर्मी के ऊपर है, और इंडियन आर्मी को एक काफ़ी डिफरेंट लाइट में दिखाती है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो हमें नहीं पता, तो इसके लिए काफ़ी रिसर्च, तभी इसको थोड़ा टाइम लगा कि प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जानना ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में, क्वाथा के बारे में, तो इसके लिए हमने आर्मी के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें काफ़ी एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम एक्शन भी करने का भी मौका मिलेगा मुझे। लोगों क्या मैसेज सोच बदलेगी लोगों? आई थिंक इंडियन आर्मी इस फिल्म को लेकर
आई थिंक इस फिल्म में आप इंडियन आर्मी को बहुत डिफरेंट लाइट पे देखेंगे. हमेशा इंडियन आर्मी इस बॉर्डर पे नहीं लड़ती है, कभी देश के अंदर भी वो काम करती है. और जिस तरीके से इस फिल्म में इंडियन आर्मी को दिखाया गया है, जो सच्ची कहानी है, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है. तो मैं सोचता हूँ कि ये फिल्म काफ़ी इंस्पायर करेगी ऑडियंस को और दिखाएगी कि इंडियन आर्मी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, देश के अंदर भी बहुत सारा काम करती है. जी सर, अभी उन्होंने कहा पहली पिक्चर तक टिप्स दे दी, सेकंड पिक्चर से खुद करो जो करना है. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. प्लीज़ आपको भी टाइम मिले, आज आई थिंक लास्ट डे है, बट नेक्स्ट ईयर प्लीज़ आके खिड़कियाँ देखिएगा. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छी फिल्म थी, सब इतना अच्छा काम किया. मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है. वरुण, ताहिर, सबका काम मैंने बहुत अच्छे से देखा. आई थिंक द फिल्म इज़ एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, और जितनी भी तारीफ हो रही है वो कम है, पिक्चर बहुत ही अच्छी है. आई थिंक दिस फिल्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ दिस ईयर. मैं बहुत अच्छा रिएक्शन भाई, मैं खुशी होऊंगा. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई का, आयुष भाई का, सारे लोगों का जिन्होंने इतना प्यार दिया पूरी फिल्म को. और जब कोई अच्छा बोलता है तो बंदे को अच्छा ही लगता है यार. सेम मतलब जो वरुण का था, मैं ये तो नहीं बोलूंगा दुख हो रहा है मेरे को ऐसा ऐसा फीडबैक सुन के, नहीं बहुत खुशी होती है. एंड स्पेशली जो आयुष ने बोला, एक बहुत स्पेशल फिल्म थी हम सब के लिए. एंड जब एक फिल्म क्रिटिक्स को भी पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा करती है, तो ऑब्वियसली लगता है कि इट पेड ऑफ, और वही फीलिंग है इस वक्त. अब मैं अभी जाने वाला था आज ही, लेकिन मुझे यहाँ बुला लिया इन्होंने. मेरा प्लान था, उन कलाकारों में से है जो हर इंटरव्यू में कहते हैं मैं बस आज ही जा रहा हूँ, आज ही था बस यहाँ पे. नहीं नहीं, मैं आपको तो सनी भाई मैंने बोला था, एक्चुअली हम फिल्म में तो सनी भाई बोल रहा हूँ, ताहिर को मैंने बोला था मैं आज जाने वाला हूँ, लेकिन आज मुझे यहीं बुला लिया टीम के साथ, तो मैं जाऊँगा. लेकिन रात आज आज डोंट वरी, मैं जाऊँगा रात. बोलो, मैंने बहुत बातें कर ली, मैंने बहुत देर से. अच्छा, तुम कर रहे हो फेस्टिवल के बारे में. मेरे ख्याल थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक्टिंग का जो जर्म है वहाँ शुरू होता है. हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक कलाकार होता है, एंड आई थिंक थिएटर एक ऐसा मंच है जो उसे एक्सप्लोर करने की हमें अपॉर्चुनिटी देता है. तो आई थिंक बॉम्बे जैसे शहर में थिएटर करना और थिएटर का की ग्रोथ होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड आई थिंक मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग कंपनी जो है वो ऐसे एक इवेंट को स्पॉन्सर कर रही है, ऐसे इवेंट को बैक कर रही है, वो एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव. मैं यही कहना चाहूँगा, थिएटर से मेरा खुद का बहुत पुराना गहरा रिश्ता है. जब मैं चंडीगढ़ में था, दिल्ली में था, तो मैंने 4-5 साल रिग्रेस थिएटर किया था. मुंबई में आके आप जब अपना ऑडिशंस प्रोसेस में और फिल्मों में आप इतना बिजी हो जाते, लग जाते कि थिएटर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते. मेरे साथ ऐसा हुआ. सो व्हेन मुकेश छाबड़ा एंड हिज टीम इज पुटिंग अप सच अ ग्रेट फेस्टिवल, सो हमेशा आप जब प्लेस देखते तो बहुत अच्छा ही लगता है. सो इट्स मैं टिप्स आई थिंक यहाँ पे आके लोगों से टिप्स लेना चाहूँगा भाई. आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लेना चाहूँगा टिप्स. एंड I'm just here to enjoy the performance and just to see and be a part. हाँ जी, काफ़ी हेल्प मिलता है. आई थिंक इट गिव्स यू लॉट ऑफ, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस व्हेन यू परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस. आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. एंड आई थिंक वंस यू इंटरैक्टिंग इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस, ऑब्वियसली इट जस्ट काइंड ऑफ रियली हेल्प्स यू. अरे सर, मैं तो इनको बोलूंगा कल ही स्टार्ट कर दो यार. वन थिएटर से उतरी नहीं भाई. तो सर, ये ऑडियंस की डिमांड है, हम ये बोल सकते हैं. हाँ सर, ये ऑडियंस की डिमांड है. जी जी, आप बताइए क्या लगता है जी. अंधेरी में एक साजिद नाडियाड वाले करके शख्स हैं, उनका ऑफिस है. आप यहाँ पे वहाँ उनसे सवाल ये पूछें तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर रहेगा. वरुण सर, छिछोरे 2 अभी आई थिंक पहली को इतना प्यार मिल रहा है भाई, तो हमारी आई होप हम बना पाए. और सबकी आप इनसे पूछो फुकरे 3 कब आ रही है. फुकरे 3 अभी उसका प्रोसेस अभी लिखावट में गया है. एंड जिस तरह से स्क्रिप्ट रेडी होती है, आई थिंक बाय 2020 वी शुड स्टार्ट रोलिंग फॉर इट, होपफुली कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. मर्दानी 2 दिसंबर में रिलीज हो रही है, उसमें मैं हूं नहीं.